हेलो एवरीवन. सो टुडे इन आवर क्लास वी हैव टू ऑफ आवर टॉपर्स, जे आर एफ होल्डर्स, आरजू पराशर एंड श्रेया. सो वी थॉट कि बिकॉज इन लोगों ने जो है इतने टफ कंपटीशन के अंदर, ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे सिर्फ ओवरऑल अगर आप देखो दो चार पांच सीट्स होती हैं वहाँ पे क्लियर किया है, तो ऐसे लोगों की स्ट्रैटेजी पता होना, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट एग्जाम, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट की बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए. तो विद दैट इन माइंड हम लोग आज ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. तो इसी के साथ आरजू एंड श्रेया, वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. ओके थैंक यू मैम, थैंक जी. यू मैम। तो एक बात बताओ जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि मुझे सबसे पहले यही जानना है कि वो जो एक मोमेंट होता है जहां पे आप फाइनल रिजल्ट देखते हो कि आपका जेआरएफ अब हो गया है, जिस एग्जाम के लिए आप लोग 5 6 महीने या उससे ज्यादा से प्रिपेयर कर रहे थे, एंड फाइनली आप वो रोल नंबर पुट करते हो वहां पे और एकदम से आपको पता चलता है जब उसमें आता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, तो वो कैसा लगता है, वो एक मोमेंट कैसा होता है? आरजू आप बताओगे? यस यस मैम। तो जी मैंने तो एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, अच्छा बट हाँ, रिजल्ट देख के काफी अच्छा लगा कि वाह हो गया। तो हाँ, इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग मोमेंट। है ना. तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ क्लास में ना कि वो जो एक मोमेंट होता है ना वो सब कुछ होता है. इट्स लाइक कि वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जैक्टली। मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ लाइफ होता है जिसको आप हमेशा याद रखते हो. उसी मोमेंट के लिए हर एक मेमोरी जो पुट इन की होती है वो सब कुछ वर्थ इट होता है ना श्रेया? यस मैम, आपको दैट इज कैसा लगता वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट मैम एक्चुअली। है? मुझे याद है आरजू का तो चलो अभी एक दो साइकिल पहले क्लियर हुआ था, तो आरजू का तो सिंक इन हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद इंसान को थोड़ा सा मतलब यूज्ड टू हो जाता है कि चलो अब तो हो गया, अब आगे कुछ और नया देखते हैं. पर श्रेया का अभी अभी हुआ इसी साइकिल में. तो मैं सुबह सुबह उठी तो फोन के ऊपर 3 मिस कॉल थी श्रेया की, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, मैं रात को लेट सोई थी, मतलब मुझे पता नहीं तो नहीं था ये नंबर किसका, पर पहले उसने मेरे को कॉल किया तो मैंने ट्रू कॉलर पर देखा तो श्रेया का आ रहा था, तो मुझे लगा कि यार इसके इतनी सारी मिस कॉल जाए और रिजल्ट का भी टाइम हो रहा है, तो मेरे को तभी देख के पता चल गया था कि इस बच्चे का हो गया. फिर मैंने इसको कॉल बैक किया तो मतलब वो जो वॉइस के अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतना रिलीफ होता है कि मैम फाइनली हो गया, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो मतलब सुनने के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो पर्सन उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, है ना. यस एग्जैक्टली। तो मैं इसी के साथ इंटरव्यू शुरू करना चाहती थी, बिकॉज बाकी तो फिर हर किसी चीज का मतलब ही क्या है ना. तो अगर आप उस एक मोमेंट के लिए सब कुछ जो पुट इन करो दैट इज ऑल वर्थ इट, तो इसीलिए आप लोगों को दूसरों को ये बताने की जरूरत है कि वो मोमेंट हासिल कैसे किया जाए, है ना. तो पहले अपना दोनों जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दो, मुझे तो पता है पर बाकी व्यूअर्स के लिए. जी कोई भी बता दो, आरजू आप बता दो. हाँ ठीक है मैम। तो आई डिड माई लाइक BSMS फ्रॉम मैसूर मोहाली, और उसके बाद मतलब मैसूर मोहाली एक इंटर डिसिप्लिनरी अलो करता है, तो मेरी जो मास्टर्स थीसिस थी वो मैंने पहले ही जेंडर पे की थी, वुमेन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो वहां से मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन आई थॉट कि देखते हैं PhD इसी में करते हैं। तो फिर मतलब हाँ, फिर उसके बाद नेट के एग्जाम, मतलब मैंने जब शुरू की थी प्रिपरेशन, मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं था। सर्च किया तो सीधा सबसे पहले आपका ही दिख रहा था, मतलब आपकी क्लासेस दी थी, तो मैंने जस्ट इनरोल कर लिया क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। एंड देन या इस तरीके से मतलब प्रिपरेशन शुरू हुई थी। आपका एक एग्जाम्पल भी है मतलब ना कि वुमेन स्टडीज में आप किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हो और कहीं से भी आकर के शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सोशल साइंसेज का होना होता है. और स्पेशली वहाँ पे जो है पीएचडी में तो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों को बहुत प्रेफर करता है, बिकॉज सब्जेक्ट को ही आप कितना एनरिच करते हो इतने अलग अलग बैकग्राउंड से आकर के, है ना. यस मैम। श्रेया आप बता दो अपना बैकग्राउंड. यस मैम, मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों हिस्ट्री में है। एंड फिर लाइक मुझे पता चला यूट्यूब से कि लाइक विमेन स्टडीज के बारे में, फिर एलिजिबिलिटी मैंने इसका चेक किया क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो। तो फिर इग्नू के नोट्स जेंडर स्टडीज के मैंने एक दो पढ़े, उसके फिर मुझे नेट के एग्जाम का वो आया तो फिर मैंने भी यूट्यूब पे देखा, कुछ आइडिया उतना था नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने आपका कोर्स लिया था. गुड टू नो. मुझे पता नहीं इसके बाद मैं क्या बोलूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है मेरे हिसाब से, पेपर 2 से ज्यादा पेपर 1 इम्पोर्टेंट होता है ना. तो बहुत सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक कर देते हैं कि पेपर 1 इग्नोर कर दिया, है ना, और उसके बाद जो है फिर मतलब वो फाइनल रिजल्ट में वो चीज़ दिखती है कि आप जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाओ अपने सब्जेक्ट के अंदर,
अगर आपने पेपर वन प्रिपेयर नहीं करा तो JRF तो एटलीस्ट नहीं होता, नेट शायद हो भी जाए। तो मैं आप लोगों से जानना चाह रही थी कि पेपर वन की क्या इंपॉर्टेंस है और आप लोगों ने उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया। श्रेया, मैम, मेरे पास बायजूस की क्लासेस थी ओके, तो मैंने उससे पेपर वन किया था। एक्चुअली मेरे पेपर वन में लाइक थोड़े कम ही है, लाइक 60 मार्क्स है, एंड मेरे पेपर टू में मतलब ठीक अच्छे मार्क्स थे, तो हाँ उस वजह लगता है पेपर टू के वजह से फिर JRF हुआ है। मतलब 60 मार्क्स कम नहीं है। देखो वो होता ना 30 वाला जो हुआ नंबर, वो अगर आप टच कर रहे हो ना तो JRF फिर भी हो जाता है, पर अगर 30 से नीचे जा रहे हैं, मान लो 29 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 28 हुए हैं, तो वो एक दो नंबर का फर्क रह जाता है। 30 या 30 से ऊपर जो कुछ भी अगर आपने क्वेश्चन सही करे हैं तो वो सही है हाँ। तो मतलब बायजूस का क्या किया था आपने, कि उनका कोई कोर्स लिया था या फिर जो यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं वो वाली? मैं मेरे पास कोर्स था उनका। ओके, तो मतलब वो सही था ताकि बाकी लोग भी थोड़ा वो कर पाए ना, कि मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करना। उस टाइम तक तो ठीक था। ओके, तो मतलब उसके बिना भी हो सकता है पेपर वन की तैयारी जो है, क्योंकि आपने मेरे को पता है कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है ना, तो आपने यस पिछले वाले मैम, में बिना उसके किया था, बिना बायजूस के प्रिपेयर किया था, ऐसे था। बार भी था तो लाइक उसके बाद मैंने फिर मेरा वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तो मेरे पास जो नोट्स थे और यूट्यूब थे उसके बाद मैंने फिर उसी से किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लाइक बिल्कुल, हो सकता है क्लास के भी। बिना क्लास के भी हो सकता है पेपर वन का। ओके, जो मैथ्स और DI वाला सेक्शन होता है वो सब कुछ, मतलब सब कुछ आपने जो था फुल ऑन उसी कोर्स से प्रिपेयर किया। यस मैम। आरजू, मेरे केस में मैम, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मैथ्स वाला पोर्शन तो ऑलरेडी अच्छा ही था, बिल्कुल और जो बाकी पोर्शंस थे वो मैंने यूट्यूब से देखे थे लास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे, कि अच्छा कौन सा अच्छा मतलब वैसा ही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो जस्ट वही यूट्यूब से देखा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया स्पेशल। हाँ थोड़ा बहुत जैसे स्नोबॉल और मतलब वो मेथड्स होते हैं ना रिसर्च के, वो वहां से देख के और फिर सर्च करके गूगल पे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लिया था एडिशनली। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने पेपर वन के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैंने तो सब कुछ यूट्यूब से ही किया था, मतलब यूट्यूब से और बाकी जो गूगल रिसर्च होती है उस सब के ऊपर। उसमें भी बायजूस की कुछ फ्री क्लासेस थी, मैंने तो वही ली थी। और हाँ मतलब वही चीज़ है कि साइंस बैकग्राउंड से एटलीस्ट ये हेल्प होती है कि आपका मैथ्स DI वाला सेक्शन जो है वो हो जाता है। एक आजकल वो इंडियन लॉजिक का बहुत इशू चलता है ना यार, तो इंडियन लॉजिक के लिए क्या किया था आपने, अगर याद हो तो? मुझे पता थोड़ा टाइम हो गया। याद नहीं है मेरे को, अच्छा आई डोंट नो, ओके, ढंग से याद भी नहीं है। मतलब फर्स्ट पेपर में मैंने जस्ट रिसर्च वाला एरिया देखा था और फिर मैथ्स वाला, बाकी और क्या चल रहा था वो ज्यादातर ध्यान नहीं दिया या पता नहीं। कोई चक्कर नहीं है। हाँ मतलब देखो यूट्यूब से हो ही जाता है, पर आजकल जो है हम लोग CP यादव क्लासेस पे भी, सर ने एक जो है हमारी नई फैकल्टी भी है, उन्होंने भी पेपर वन का जो है ऑफर करना स्टार्ट किया। मतलब मैं व्यूअर्स को बता रही हूँ, अगर किसी को वो चीज़ देखनी हो तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो है पेपर वन में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा। और एक वो होता है ना, बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, बिकॉज 10 यूनिट्स हैं और सारी जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होती हैं, वो चीज़ है। चलो मतलब पर हाँ, आप मतलब पेपर वन की अगर कोई प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उल्टे सीधे कि मैम अगर पेपर वन की प्रिपरेशन ना किया जाए तो फिर क्या होगा, मतलब या फिर मतलब थोड़ा बहुत देख लो, ज्यादा उसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि पेपर वन का के बिना जो है मतलब हो सकता है? नहीं मैम, एक्चुअली मतलब अगर फाइनली रिजल्ट में नाम देखना है तो आई थिंक दोनों का मिलके ही आ रहा है, तो उसका भी उतना ही रोल है, तो हाँ मतलब इक्वली है इंपॉर्टेंस। कौन सी अदरवाइज तो चीज पे आप मे बी एम्फसाइज नेट क्लियर कर लो, बट JRF के लिए तो इट्स डेफिनेटली नेसेसरी। करना, वही चीज है कि अगर आप लोगों को JRF चाहिए तो प्लीज डू नॉट इग्नोर पेपर वन, है ना? ओके, फाइनली जो हमारा ऑलमाइटी, हम लोग पेपर टू के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें पेपर टू का, मतलब ये बता दो। चलो मतलब कि आप लोगों ने क्लासेस देखी थी, तो आप लोगों की क्लासेस से हेल्प हुई कि नहीं हुई पेपर टू की? यस मैम, बहुत हेल्प हुई। अच्छा ओके, मतलब किस तरीके से, क्या आप लोग, आपने मतलब क्लासेस लगाते थे आप, साथ में नोट्स जो थे वो देखते थे, और मतलब कैसे करते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो।
मैम क्लासेस देखने के बाद लाइक नोट्स, आपके नोट्स से नोट्स बना लिए थे, और उसके बाद लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नोट्स, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लाइक बहुत इम्पोर्टेंट था पूरे प्रिपरेशन में, और उसका रिवीजन और कुछ बाकी। मैंने नोट्स, इग्नू के नोट्स पढ़े थे, फिर एक मैंने बुक पढ़ी थी विमेन स्टडीज इन इंडिया। ओके, ये मतलब कौन से ऑथर की बुक है? मैम मैरी जॉन, अच्छा ठीक है, वो रीडर है, वुमेन स्टडीज इन इंडिया रीडर है वो। हाँ ठीक है, ओके, तो आपने वो वाली बुक रेफर करी थी, वो आपको पीएचडी एंट्रेंस में काफी हेल्प करेगी। यस मैम। और आपने एक वो आर गुप्ता वाली बुक भी सजेस्ट करी थी बार बार क्लास में, तो फिर मैंने पढ़ा था। ओके, और मतलब चलो ये आपने बाकी सोर्सेज भी बता ही दिए हैं, तो एक चीज बताओ यार, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो फैक्चुअल होती हैं, जैसे मान लो कि हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो याद कर रहे हैं कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है ना, कौन से थिंकर की कौन सी थियरी थी, या फिर बहुत ज्यादा डेट्स हो जाती हैं कि एक्ट्स इतने ज्यादा हो गए, कमीशन कौन से हो गए, अलग अलग पॉलिसीज हो गई है ना, ये वाला कमीशन कौन सा बना था, फलाना कब बना था, ढिमकाना कब बना, तो मतलब इन सारी चीजों को याद रखने के लिए आपने क्या किया? मैम कोई भी बता दो। मैं तो एक बार मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाऊंगी दोबारा, जो आपने पूछा था कि आपके कंटेंट से क्या हेल्प है। तो मेरे को लाइक, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो अगेन सारा आप ही के कंटेंट से मतलब बेस बना। एंड देन क्योंकि आपका कंटेंट होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, तो दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। क्योंकि जो भी क्लास में पढ़ा है, एंड देन तुम अगर प्रीवियस ईयर पेपर जाके देखते हो, तो यू कैन एबल टू रिलेट, लाइक यू आर द कंटेंट दैट यू टीच इन योर क्लास एंड जो पेपर में आता है, दैट इज कम्प्लीटली लाइक वहीं से ही आता है आई वुड से। तो या वहां से, और ऐप इतनी हेल्पफुल थी ना, मतलब आप वीडियोस तो रिकॉर्डेड मतलब डाल देते थे, अगर नहीं आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो बाद में मतलब उसको देख लो, एंड देन नोट्स जो होते थे आपके वो भी काफी अच्छे थे। तो या पूरा का पूरा वहीं से ही था। चलो गुड टू नो। और आपने और सिवा कोई और सोर्स फॉलो करी थी, कोई और बुक मतलब एज सच? नहीं, बुक्स तो ऐसा सच कोई और फॉलो नहीं की थी, बट मैंने फिर इंटरनेट का यूज किया था। तो जैसे आप ये पूछ रहे थे अभी फैक्ट वाले, जो बहुत चीजें आती है, तो मैंने क्या किया था, वही आप वाली अप्रोच की, प्रीवियस ईयर देखा, एंड देन देखा कि कौन से जो आप अप्रोच करते हो, कि नॉट जस्ट एक ऑप्शन देखना है जो सही है, बट बाकी तीन भी। तो वो वाला किया कि बाकी तीन ऑप्शंस में भी कौन कौन से ऑथर हैं, जो भी है उन सब का बना दिया सारा। तो जैसे लाइक राइटर की बुक की आते हैं, बुक का कोई टाइटल है, ये किसने लिखा है, तो वहां पे चार ऑप्शन है, तो चारों की मैंने बुक्स देख ली, क्या क्या फेमस बुक्स हैं, और वो सारे बुक्स एक साथ लिख दी थी। एक लाइक मेरे पास एक एक पेज पे ये सारी फैक्चुअल चीजें थी, तो जो कि पेपर से पहले मैंने पढ़ ली थी, एंड देन या मतलब दिमाग में रह गई थी, तो ऐसे मैंने फैक्चुअल चीजों पर ध्यान दिया। बढ़िया स्ट्रैटेजी, आई एम श्योर ये काफी लोगों को हेल्प करेगी। हाँ श्रेया, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, मतलब कि फैक्चुअल स्टफ को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, और मैक्सिमम लोगों को इसी चीज में दिक्कत है कि इतनी सारी चीजें जो है जिनके रट्टे मारने पड़ रहे हैं, उनको आप एक बार देख लोगे तो शायद आपको एक दो दिन तक वो याद रह जाएंगे, पर थ्रू आउट की एग्जाम के लेंथ तक 3 4 महीने की प्रिपरेशन के फेज के अंदर कैसे उसको बार बार मतलब कैसे याद रखा जाए? मैम मैंने रिवीजन काफी किया था, मतलब बहुत, एक बिल्कुल। बार खत्म हो जाए तो वो रिवीजन, वो बहुत लाइक उससे बहुत हेल्प हुआ। ओके, हाँ ये रिवीजन तो खैर मतलब हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट होती है, और रिवाइज भी मतलब रिवाइज करने की भी एक तरीका होता है ना, जैसे मान लो कि हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम कोई बुक जो है वो फॉलो करी, तो हम लोग उसमें से कुछ नोट्स बना लेंगे, बट नोट्स भी हम लोग ऐसे नहीं बना सकते कि हम लोग दोबारा बुक ही छाप दें, है ना, कि भी हम लोग सारी चीजें जो है सब कुछ ही नोट डाउन कर ले, और फिर उसको रिवाइज करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब हर एक टाइम के ऊपर वो नोट्स जो है वो छोटे छोटे होते जाए, जितनी मर्जी बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो, है ना, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप जो है पेपर से एक दिन पहले आप 200 या 300 पेजेस जो है वो रिवाइज कर लोगे, फिर नोट्स का फायदा ही क्या है ना। तो इस चीज के ऊपर अगर आप लोग थोड़ी लाइट डालना चाहो कि मतलब ये जो नोट्स की मतलब जो ये एक सॉर्ट ऑफ आर्ट होता है नोट्स बनाना, तो आप लोग कैसे करते थे? मैम मेरे नोट्स थे वो काफी कंसाइज थे, लाइक मेरे लाइक 30 पेजेस के नोट्स थे कंप्लीटली, मैंने एंड तक मतलब 30 पेजेस में कंसाइज कर दिए थे। तो उसमें मोस्टली फैक्चुअल चीजें ही थी, कंसेप्ट तो क्लास से ही क्लियर हो गए थे,
तो सारी फैक्चुअल चीजें वो 30 पेजेस में आ गए थे, और जिनको मैंने मतलब एग्जाम से पहले 1 दिन 2 दिन पहले भी मतलब काफी इतना रिवाइज कर दिया था कि वही मतलब, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थे, तो वो सारी चीजें ही ऐसी थी कि जो पेपर में आने ही आने थे, ऑप्शन में आ जाएंगी या फिर स्टेटमेंट में आ जाएंगी, तो या वो ऐसे मतलब कंसाइज नोट्स इज वेरी ये तो सही किया आपने, क्योंकि 30 पेज के तो इतने छोटे तो मेरे भी नहीं थे सच बताऊं तो. क्योंकि वो मैंने मतलब मैंने बताया ना कि एक पेज में मैंने जैसे सारे राइटर लिख दिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो जो ऑप्शंस में थे, अगर सारे पिछले स्पेशली मैंने 2 इयर्स के किए थे तो वो आ गए थे एक पेज पे सारे राइटर्स, तो ऐसे ही मतलब सारे फैक्चुअल चीजें एक एक पेज पे करके एंड देन कर दिया था. मुझे भी याद है, मेरे पास ना मतलब एक पेपर था जो मैं एग्जाम से पहले पढ़ करके गई थी, जस्ट एक पेपर था, और उसमें थी सारी की सारी एक्ट्स, और जितना भी मतलब जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल स्टफ होता है ना, बस मतलब फ्रंट और बैक साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर मैंने सारी एक्ट्स वगैरह लिखी हुई थी ईयर्स के साथ मतलब, और दूसरे वाले के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स जो थे वो सब कुछ, क्योंकि यही दो चीजें हैं फैक्चुअल में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, है ना. श्रेया आप बताओगे नोट्स के बारे में? मैम एक्चुअली मेरे से नोट्स वो ज्यादा कंसाइज होते नहीं है, सेम हियर तो सेम हियर, मेरा मैं ऐसा बहुत स्ट्रगल करती हूँ, पर मैं बहुत उसके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ. यस मैम. तो ये था ना कि नोट्स वो रिवाइज करते करते ना वो टाइम काफी कम हो गया था, लेकिन दो बार करने के बाद काफी कम टाइम लगता था उसको रिवाइज करने में, तो ये तो है बिल्कुल. मैं तो मतलब हमें जो यहाँ पे दो चीजें यहाँ से पता चल रही हैं कि एक तो आपके नोट्स जो है वो कंसाइज होने चाहिए, और दूसरी चीज उनकी प्रॉपर रिवीजन होनी चाहिए, बिकॉज नोट्स भी अगर आप बना करके रख दोगे और उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, है ना. तो आपको मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत है अगर आपको एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना. और हाँ, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. श्रेय आपने मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की? मैम. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ली थी, क्योंकि लाइक मेरे से वैसे होता नहीं है मोबाइल में, तो आपने ग्रुप में उसकी पिक भेजी थी एक बुक की, आर गुप्ता की. अमेज़न के ऊपर है वो. यस मैम, तो मैंने वो वाली बुक मंगवाई थी, तो मैं उसी बुक उसको पढ़ती थी, फिर मैंने आपके मॉक मॉक दी, तो वही. आरजू मैम आई वुड से कि प्रीवियस ईयर से इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं. लाइक तो प्रीवियस ईयर मैंने लास्ट ईयर का मतलब जो मैंने दिया था उससे लास्ट टू लास्ट साइकिल का किया था, क्योंकि वही अवेलेबल था उस टाइम पे स्टार्टिंग में. फिर पेपर से जस्ट 1 दिन पहले जो लास्ट साइकिल का था वो रिलीज हुआ था, तो मैंने जस्ट पेपर से 1 दिन पहले और कुछ नहीं किया. फिर वो वाला प्रीवियस ईयर पूरा मतलब उससे एक एक जो जो चीजें मतलब मिस हो गई थी वो सारी ऐड कर दी, एंड देन लाइक या प्रीवियस ईयर पे मेरा पूरा फोकस था. तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन दोनों चीजों के ऊपर कमांड होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. हाँ, तो इसके बाद मतलब मेरे को मेरे ये नोट्स तो मैं बिल्कुल मतलब मेरे नोट्स बने ही इस बेसिस पे थे कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही मेरे नोट्स थे, तो मतलब हाँ. दैट इज रियली स्मार्ट एक्चुअली. तो अब मेरे को ये जानना है कि मतलब वो जो एक एग्जाम का दिन आता है ना फाइनली, जब वो आता है, मुझे याद है हमारे टाइम के ऊपर पेपर जो था वो 3 बार पोस्टपोन हुआ था, वी गॉट लकी थोड़ा सा. 2022 एंड वाला जो था तो 3 बार पोस्टपोन हुआ था, बट आई नो कि आप लोगों को काफी कम टाइम मिला था उसके उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो. तो एग्जाम डे के ऊपर वो नर्वसनेस होती है इतनी ज्यादा, आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है बिटवीन पेपर वन एंड पेपर टू. मेरे जैसे लोग जो मैथ्स में वीक, उनको पेपर वन में टाइम ही बहुत ज्यादा लग जाता है. तो मतलब कैसा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, किस तरीके का था एग्जाम के अंदर? और एनटीए ने कोई घोटाला तो नहीं किया? घोटाला एज इन मतलब कि वहां पे 3 बार वो जो उनका नेटवर्क चला जाता है बीच में जो है, या फिर उनका स्टाफ कुछ ना कुछ कर देता है, तो कैसा रहा फिर? श्रेया आप बता दो. मैम मैंने स्टार्ट किया था पेपर टू से, तो मेरे पेपर वन के लिए थोड़ा टाइम कम हो गया था. अच्छा, ओके. तो आपने पेपर टू से स्टार्ट किया था, कितना यस मैम. टाइम लगा फिर आपको पेपर टू करने में? मैम आई थिंक मेरा काफी टाइम लग गया था, तो मेरा पेपर वन में लाइक काफी कम टाइम बचा था, तो इस वजह से मेरा पेपर वन उतना ठीक हुआ भी नहीं था. पेपर टू अच्छा हुआ था, तो दैट मेरा वो थोड़ा कंफ्यूजन भी था कि पता नहीं क्या हो.
नहीं फिर भी आपके पेपर वन में 30 क्वेश्चन सही हो गए, फिर भी मतलब उसके बावजूद भी तो आपने मतलब काफी प्रैक्टिस करी होगी, तब भी आप कम टाइम के अंदर भी उसको कर पाए वहां पे ना। तो मेरा तो मतलब मैंने लगा दिया था पेपर वन में 1.5 घंटा जब मैंने एग्जाम दिया था, पर मेरे को ये पता था मैं उससे पहले एक टेस्ट सीरीज लगा रही थी कोई, तो गूगल पे बहुत पुरानी सी टेस्ट सीरीज थी, वो अपडेटेड भी नहीं थी मतलब, इसलिए मैंने आप लोगों को वो सजेस्ट भी नहीं करी थी। पर मेरे को ना वो टेस्ट सीरीज लगा करके मेरे को ये पता चल गया था कि मेरा हर एक पेपर जो है ना वो अंडर 50 मिनट्स जो है वो विमेन पेपर टू जो है मतलब वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से जब मेरा 1.5 घंटा भी निकल गया ना पेपर वन के अंदर, तो मेरे को ये पता था कि कोई दिक्कत नहीं, कि मैं अगला तो मैंने सिर्फ 50 मिनट्स में ही कर दिया और मेरे पास एक्चुअली 15-20 मिनट का पीछे टाइम बच गया। तो ये चीज है, अगर आप कोई थियोरेटिकल इस तरीके का सब्जेक्ट दे दो ना विमेन स्टडीज का, जहाँ पे मतलब आपको पता है कि सब्जेक्टिव चीजें मतलब सब्जेक्टिव में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, अगर वो असर्शन या रीजनिंग वाले आगे, बाकी तो सब कुछ फैक्चुअल ही होता है, तो आप लोग उसको फटाफट पुट ऑन कर सकते हो ना। तो अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम हो भी जाए पेपर में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मैनेज कर ही लोगे, है ना अर्जु? यस मैम, तो मैंने शुरू किया था, मतलब पेपर वन से ही शुरू किया था, बट मैं जस्ट जो जो क्वेश्चन होते गए मैं वो करती गई, और जो लगा कि ये अभी नहीं करना है तो वो छोड़ती गई। तो जस्ट अच्छा एक बार पूरा पेपर वन, हाँ तो पूरा पेपर वन, आई डोंट नो टाइम कितने में हुआ था, बट मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम लिया था, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आते गए मैं वो करती गई थी एक फर्स्ट रीडिंग में, फिर सीधा सेकेंड पेपर पे, एंड देन सेकेंड पेपर का पूरा किया, फिर वापस से फर्स्ट पे आई थी, एंड देन जो थोड़ा लग रहा था इनमें टाइम लगेगा उनको किया, क्योंकि थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, तो फिर वो वाला पार्ट करने के बाद फिर एक बार, मतलब टाइम का कोई इतना इश्यू नहीं हुआ था मेरे को, तो टाइम मतलब था। ये अच्छी बात है, फिर मतलब आप पेपर टू के ऊपर ज्यादा टाइम डिवोट कर पाएंगे, है ना? दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि जब आप JRF के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, तो अभी मतलब श्रेया आई नो कि आप अभी उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप PhD में एंट्रेंस ले रहे हो अभी ना, मतलब PhD में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो, बट आरजू आप अभी ऑलरेडी PhD में हो, है ना? तो मतलब कैसे हेल्प करता है जब आप एक बार इस सब्जेक्ट को मतलब थ्रू आउट आप पूरा का पूरा जो है वो पढ़ लेते हो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, एटलीस्ट जितना NTA का सिलेबस है, तो आपको आगे के लिए ये सब्जेक्ट जो है किस तरीके से हेल्प करता है, जिस तरीके से मतलब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो वो प्रोसेस, जितना आप जो है उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब कुछ कैसे होता है? मैम, मेरा क्योंकि बैकग्राउंड तो इसमें था नहीं, तो जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है इस सब्जेक्ट के बारे में वो इस प्रोसेस के लाइक प्रिपरेशन के टाइम ही मिली है, और मुझे इस सेंस में ये एग्जाम अच्छा लगा कि इसमें जो है कंटेंट, जो मतलब मोस्टली वो सोशल साइंटिस्ट वगैरह के बारे में पूछते हैं, वो रिसेंटली होते हैं, तो वहां से मतलब उनकी थ्योरीज वगैरह और वो सब पता चला, तो हाँ मतलब वो फिर PhD में भी अभी आ रही है, मतलब उनके बारे में ही पढ़ना है, तो या उसका कंटेंट काफी हेल्पफुल है, मतलब उससे आपको उस सब्जेक्ट की थोड़ो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके का टर्न जो है ना वो JRF के एग्जाम में आता है, उसी तरीके का टर्न जो है PhD एंट्रेंसेस में भी आता है। जैसे मेरे को याद है कि मतलब किसी एक साइकिल में जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो पूछ रहे थे, मतलब जो इमर्जिंग फील्ड्स होते हैं विमेन स्टडीज एंड एंथ्रोपोलॉजी, विमेन स्टडीज इन मतलब आप लगा लो आर्ट्स में जिस तरीके से पेंटिंग्स हैं, और JNU के एंट्रेंस में भी सेम ही तरीके के क्वेश्चन जो थे वो पूछे हुए थे। तो मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप जो है किसी स्कॉलरशिप के लिए इस चीज को कर रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कर रहे हो, आपकी जो एक ओवरऑल नॉलेज होती है सब्जेक्ट के अंदर वो इतनी ज्यादा शार्प हो जाती है कि आप कोई भी और चीज करोगे ना उसके रिगार्डिंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आई एम श्योर श्रेया आपको ये PhD के जो है मतलब एडमिशन के इस प्रोसेस के अंदर ये चीजें आपको हेल्प करनी होंगी, बिकॉज आपको सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट जो है मतलब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर है ना। ओके चलो ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एक होली ग्रेल होता है ना कि भाई इसके बिना तो एग्जाम हो नहीं सकता, ठीक है? कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग वो पिन पॉइंट कर पाओ तो आई थिंक कि जितने लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा एक स्पेसिफिक चीज मिल जाएगी जिसको आपको पता है कि इस चीज को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो श्रेया आपके अकॉर्डिंग वो चीज क्या होगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैम, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नोट्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बोला आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स। आरजू मैम, आई वुड से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइक उनके प्रीवियस बेसिस पे आप नोट्स बनाओ, तो वो दोनों, या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द टॉप मोस्ट थिंग यू शुड डू। देखना, ये जितने बच्चे हैं ना वो जब टॉपर से ये चीज सुनते हैं ना तभी वो थोड़ा सा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। आई नो बहुत बोरिंग चीज हो जाती है क्योंकि ना उनको एनालाइज करना, देखना कहाँ से क्या रखा है,
बट आई एम श्योर कि आप लोग बोल रहे हो तो बाकी लोगों को इन सब चीजों से काफी हेल्प। तो विद दैट आई थिंक आज के लिए हमारे लिए काफी कुछ हमें पता चल गया। थैंक यू सो मच यार फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाले हो, एंड आई होप कि आप लोग फ्यूचर में भी आगे ऐसे अचीव करते रहो चीजें। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक चलो आई सी यू गाइस। ओके बाय बाय। यू।